सारा हिंदुस्तान सुधरे, लेकिन बिहारी साला नहीं सुधरे, नहीं सुधरेगा, नहीं। हम भी बिहार कहाँ सुधर रहे हैं, ये साले जातिवादी में हम यादव हैं, यही दिल्ली आएंगे, दिल्ली वाले जब पीटेंगे ना बिहारी, बिहारी का पीटेंगे, यहाँ आके बिहारी बनेंगे, घर पे जाएंगे तो कोई भोस मैं राय हूँ, कोई कहेगा मैं चौहान हूँ, कोई कहेगा मैं यादव हूँ, रे मां तो किसको लाना चाहते हैं। लेकिन हिंदुओं की जब 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 रामनवमी का जो त्यौहार होता है, आए दिन जो है पत्थर, आए दिन जो है इस तरीके की घटनाएं आती हैं, इस चीज़ों को बदलना चाहिए। यूपी में सबसे ज़्यादा मुस्लिम है जो कट्टर है, लेकिन योगी जी जो थे वो सब कट्टरता कहाँ चले गए उत्तर प्रदेश की, कट्टरता बुलडोजर के नीचे चले गए। लेकिन सर ममता दीदी का नाम ही क्या गुंडा राज करना, गुंडा प्रवृत्ति उनकी शुरू से रही है, उन्होंने कम्युनिस्टों को दबा के अपने आप पे छवि ली, तो वो गुंडा गुंडागर्दी से। आप सीधा सिंपल बताएं, राम जी को मान के राक्षस पूरा इकट्ठा हो गया था, तब भी क्या हुआ, जीत श्री राम को हुआ ना, हैं तो ये सब इकट्ठा हो रहे हैं, फिर वही होगा इनका हाल, जैसे उसमें हुआ वैसे यहीं भी होगा। देखिए नीतीश जी खुद दंगावादी के साथ में जुड़े पड़े हुए हैं, आरजेडी का काम क्या है, दंगा करवाना। जो दंगे फसाद हो रहे हैं इसका आज एक ही मेन कारण है कि सरकारें जो हैं, जो हेट स्पीच जो दी जा रही है ना बार बार में, कोई भी नेता हो बीजेपी का हो या किसी और भी पार्टी का हो, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा हेट स्पीच दी जा रही है। दंगा हो गया, देखिए मस्जिद के बाहर लेके चल रहे हैं, देखिए आप ये कह रहे हो कि मस्जिद के बाहर कभी भी इस तरीके की इनकी वो निकलती है तो कभी भी इनके उसमें क्यों दंगे नहीं होते। लेकिन हिंदुओं की जब 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 रामनवमी का जो त्यौहार होता है, आए दिन जो है पत्थर, आए दिन जो है इस तरीके की घटनाएं आती हैं, इस चीज़ों को बदलना चाहिए। आपकी जो है मानसिकता, जिस तरीके से कुछ समुदाय के लोगों की जो मानसिकता है उसको बदलो, हम तो उनके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं, हम तो उनके इफ्तार को उसमें वो सद्भावना देने का काम कर रहे हैं। आप जिस देश में रह रहे हो, आप उस देश के उस देश का खा रहे हो, उसी देश के उसमें थाली में आप छेद करने का काम कर रहे हो। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हिंदू समाज के जितने भी त्यौहार हैं वो प्रेम सद्भावना के लिए त्यौहार है, हमारी जो है जो त्याग का जो प्रतीक है, चाहे आप जो है जो कलर हैं उसको हम ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर किसी भी तरीके की कोई भावना है किसी के समुदाय को ठेस पहुंचाने की नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ ये करते हैं कि जब हम आरती भी करते हैं ना तो क्या कहते हैं कि सबका भला हो, सबका अच्छा हो, इसको लेके चलते हैं। रामनवमी में ही बवाल क्यों हो जा रहा है ये बताइए। देखिए ये क्या है, सामाजिक जो वहाँ की पार्टियाँ, जैसे ममता दीदी है, ममता दीदी का नाम ही क्या गुंडा राज करना, गुंडा प्रवृत्ति उनकी शुरू से रही है, उन्होंने कम्युनिस्टों को दबा के अपने आप पे छवि ली, तो वो गुंडा गुंडागर्दी से ली। आपकी जानकारी लेकर बता दूं कि अभी वहाँ भी हुआ, महाराष्ट्र में भी और गुजरात में भी दंगा हुआ, वहाँ तो भाजपा की सरकार है। देखिए क्या है ये देश में, क्या है ये देश के माहौल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं कि देखो हमारे देश में क्या है, बहुत ये है कि लोगों में बहुत आपस में गुटबाजी चल रही है या दंगा फसाद चल रहा है, हमारे देश में कोई अगर बाहर से पैसा लगाना चाहेगा तो वो ही देखेगा यार वहाँ तो ऐसा माहौल ही नहीं है। अब देखिए ना उत्तर प्रदेश में अब इंडस्ट्रियाँ क्यों लग रही हैं, क्योंकि वहाँ शांति वाला माहौल है, पहले गुंडा राज था, तो गुंडा राज में तो कोई आना ही नहीं जाएगा, मैं अपनी इंडस्ट्री को मैं लूटपाट करके ले जाएँ। नीतीश जी कह रहे हैं दंगा करवाया जा रहा है, किसके द्वारा। देखिए नीतीश जी खुद दंगावादी के साथ में जुड़े पड़े हुए हैं, आरजेडी का काम क्या है, दंगा करवाना। नीतीश कुमार क्या कुछ नहीं बन सकते, अरे सपना देख रहे हैं, हम भी सपना राष्ट्रपति बनने का देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, भारत में है जिंदा रहे, ख्वाब देखना सबका हक है भाई, ख्वाब वो भी आप नहीं देख सकते, अरे ख्वाब देख रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं विपक्ष को, ये बताएं ऐसे कह दे रहे हैं। अरे एक सीधा सिंपल बताएं, राम जी को मान के राक्षस पूरा इकट्ठा हो गया था, तब भी क्या हुआ, जीत श्री राम को हुआ ना, हैं तो ये सब इकट्ठा हो रहे हैं, फिर वही होगा इनका हाल, जैसे उसमें हुआ वैसे यहीं भी होगा, ये मत सोचिए। नीतीश कुमार को आप कह रहे हैं, हम वही बिहार से, महाराज पलटू महाराज पूरा महागठबंधन हो रहा है, नाम सुनते हैं ना, जलन सी पैदा होती है, जिस दिन साला मिलेगा ना जलन सी हो जाती है, जलन सी पैदा हो जाती है, मंत्री जलन सी। अरे शुक्र कर कुछ दो कौड़ी के हमारे बिहार में आज भी है, सारा हिंदुस्तान सुधरे, लेकिन बिहारी साला नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा, नहीं। हम भी बिहार कहाँ सुधर रहे हैं, ये साले जातिवादी में हम यादव हैं, यहीं दिल्ली आएंगे, दिल्ली वाले जब पीटेंगे ना बिहारी, बिहारी का पीटेंगे, यहाँ आके बिहारी बनेंगे, घर पे जाएंगे तो कोई भोस मैं राय हूँ, कोई कहेगा मैं चौहान हूँ, कोई कहेगा मैं यादव हूँ, रे मां तो किसको लाना चाहते हैं बिहार में। बिहार में हम सही बताएं, अगर चिराग पासवान का गठबंधन हो जाए किससे, बीजेपी से, तो चिराग पासवान ठीक है, नहीं तो बीजेपी का आएगा सम्राट भैया, वही जिंदाबाद, सम्राट सिंह आएंगे वही जिंदाबाद। योगी मॉडल फॉलो किया जाए, जरूरी नहीं है कि फॉलो किया जाए,
उससे क्या हो रहा है, दंगा नहीं हो रहा। देखिए जो दंगे फसाद हो रहे हैं इसका आज एक ही मेन कारण है कि सरकारें जो हैं, जो हेट स्पीच जो दी जा रही है ना बार बार में, कोई भी नेता हो बीजेपी का हो या किसी और भी पार्टी का हो, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा हेट स्पीच दी जा रही है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात कौन दे रहा है सबसे ज्यादा हेट स्पीच, बीजेपी के कितने नेता हैं कितने हेट स्पीच दे रहे हैं। माननीय हाई कोर्ट ने इस बात पर बार बार कहा है, अब भी अपने जो चंद्रचूड़ जी हैं उन्होंने भी बार बार में कहा कि भाई इस तरह के भाषण बंद हो। अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था जिस दिन राजनीति को धर्म से अलग कर दिया जाएगा उस दिन शांति स्थापित हो जाएगी। ये जो एक बीज बोया जा रहा है नफरत का, और वही चीज है जो आज पाँच मिनट के लिए पुलिस हटा दो बता देंगे किसके हेट स्पीच, पाँच मिनट के लिए पुलिस हटा दो वह बता दो पुलिस को क्या हटा दें, किसने बोला था कि पाँच मिनट हटा दो और बता दें, किसने बोला था ओवैसी के अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोला था। ये हेट स्पीच नहीं है, एक का ही दिखता है आपको, ओबीसी का ही दिखता है, और भी तो दे रहे हैं उनका भी वही पूछो। ये हेट स्पीच को गोली, इस बार रामनवमी पे पूरा देश में कई दंगा नहीं हुआ, वेस्ट बंगाल और बिहार, बिहार छोड़ दो, बिहार को छोड़ो वेस्ट बंगाल को पकड़ते हैं। यूपी में सबसे ज्यादा मुस्लिम है जो कट्टर है, लेकिन योगी जी जो थे वो कट्टरता कहाँ चले गए, उत्तर प्रदेश की कट्टरता बुलडोजर के नीचे चले गए। लेकिन सर बांग्लादेशी और रोहिंग्या बंगाल में इतना बसे पड़े हैं कि वो हिंदुओं को जीने नहीं देते हैं। आज छोड़ो कल का बात बता रहा हूँ, रिसरा हुगली हावड़ा तीन जगह इतना मारा हिंदुओं को बिना कोई गलती का, क्यों रामनवमी का तीर्थ यात्रा निकाल रहा था वो लोग। तो भाई साहब हम लोग कहाँ गलत हो गए, कहाँ गलत। तो उत्तर प्रदेश की जो कट्टरता है वो बुलडोजर के नीचे चली गई। बाकी प्रदेशों में कैसे दंगा हो जा रहा है, बाकी में योगी जैसा बंदा चाहिए, योगी जी तो एक ही है, कहाँ कहाँ जाएंगे। तो एक बार खेच दो मीटर चुनाव का, योगी को उठा दो, और स्टेट में सेंट्रल की जो पावर है, जैसे ये जो नेता जो विपक्षी बंदे होते हैं कुछ भी होता है कंडीशन, कोई भी दंगा होता है अगर जो भी पार्टी है उस पर एक्शन ले रही है, लेकिन ये विपक्षी एक्शन लेने से पहले अपना ड्रामा दिखा देंगे कि कैसे कर दिया। अभी जैसे ये क्या नाम है जो कश्मीर का आतंकवादी था जिसे अंदर किया गया था उस पर, तो याकूब ऐसे कुछ नाम था ना, तुरंत हाँ यासीन, तुरंत क्या किया कांग्रेस वालों ने, उसके विरोध में प्रदर्शन निकलवाने लग गए। ये बताइए कि गुजरात और महाराष्ट्र में भी तो दंगा हुआ, वहाँ किसकी सरकार है। गुजरात और महाराष्ट्र में जो अच्छा मेरे को आप एक बात बताइए, यूपी है ठीक है, यूपी में योगी की सरकार, एक जगह आप बैठे एक जगह मैं बैठा हूँ, मामला शांत है, और मैं जाके वहाँ दो पत्थर बंदों पे बरसा दूँ ठीक है, कौन बरसाए, मैं बरसा दूँ जाके बेमतलब में किसी पे दो पत्थर, वहाँ से क्या आएगा मेरे को, फूल तो देगा नहीं पत्थर तो वो भी, तो कौन बरसा रहा है वही तो पूछ रहा हूँ यार, बरसा कौन रहा है, जिनकी कट्टरता बुलडोजर के नीचे जा रहे वही तो हर जगह हाथ फैला जगह फैला रहे हैं। चलिए तो हम बात कर रहे थे बिहार में हो रहे दंगे को लेकर, आखिर में ये जवाबदेही किसकी बनती है कि बिहार में दंगा हो रहा है।